क्या है? और छठा सूत्र आपका एससी और एसटी सदस्यों को खाद्य सुरक्षा नियमित प्राथमिकता उपलब्ध कराना। जो राशन बढ़ता है ना बच्चों का, बहुत सी जगह क्या है, जो जैसे बड़े बड़े लोग हैं गए, जाओ वे लेके चले गए, जो गरीब रह गए ना, उन्हें सूचना ही नहीं है। परे घर है क्या कर रहे, हम 10 रुपया दिया है, मीटिंग हो गई। ये आपको हमारा ग्राम संगठन क्या करेगा, आपको ये चीज उपलब्ध कराएगा। आप बताओ कि दीदी हमारे समूह में 3 लेडीज हैं, गर्भवती हैं या उनके बच्चे छोटे छोटे, उन्हें राशन नहीं मिलता है, खाद्य सुरक्षा जो भी है नहीं मिलता है, उन्हें ये लोग उपलब्ध कराएंगी। जो आपका राशन आसन बटेगा, इनको सूचना रहेगी ग्राम संगठन वालों को कि दीदी वहाँ से राशन उठ के आया है। हमारे गांव में अगर 20 महिलाएं हैं तो 20 को नहीं, कम से कम 15 को तो मिले, है ना। तो अगर 20 को 5 में भी नहीं मिल रहा तो ये गजब है। तो कहाँ जाएगी ये सूचना, कहाँ होगी आप लोग ग्राम संगठन में? सातवां है आपका एसपी और एसटी सदस्यों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्राथमिकता उपलब्ध कराना। जैसे हमने बताया था आपको कि जैसे अब कोई अभी खासबा ने बताया, हमारे जैसे स्वास्थ्य है, हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है, हमारी दीदी को टीका लगने को है, बच्चे को टीका लगने को है, वहाँ की जो महिला दूर की है वो यहाँ आती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ आकर शिकायत करेंगे। दीदी हमारे गांव में इतनी महिलाएं ऐसी हैं जो टीकाकरण की हैं, बच्चों जो छोटे हमको टीका लगना है, या गर्भवती महिलाएं हैं, या जो जो लड़कियाँ को महामारी की समस्या है, जो भी समस्या है कहाँ होगी, ग्राम संगठन में आपको सब बताना है कि दीदी ऐसी ऐसी बात है। तो हम अगर वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो क्या करेंगे, हम मांग करेंगे ब्लॉक में, हमारे यहाँ टीम भेज दो सर, हमारे यहाँ जो भी बीमारियाँ, बहुत से गांव छूट जाते हैं, पता ही नहीं होता उनको। अगर हमारा ये ग्राम संगठन ना बना होता और यहाँ की महिला सब अशिक्षित रह जाती, इन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि ग्राम संगठन में कितने विभाग जुड़ रहे हैं। विभाग बताए थे ना दीदी ने, आज एक बार फिर रिपीट करवा देंगे, जितने भी विभाग हैं आपके ग्राम संगठन में जुड़ेंगे, ठीक है। तो हम जो भी बात है ब्लॉक में कह सकते हैं, ग्राम संगठन के जरिए से आपके समूह की कोई नहीं सुनेगा, समूह हमारा ग्राम संगठन में कहेगा, ग्राम संगठन ब्लॉक में कहेगा, तभी तो सुनवाई होगी। अब यही देख लो, एक वहाँ के हैं, एक वहाँ के और एक यहाँ के हैं, तो कोई भी सुविधा आएगी तो कोई ऐसे से घूमेगी, वो कहाँ आएगी, एक जगह। अगर आप लोग 3 वहाँ के आए, 3 वहाँ के आए, 3 यहाँ के आए, तो तीनों जगह गई, तीनों जगह गई कि नहीं गई। आपका आना है SC ST सदस्यों का आजीविका के अवसरों से जुड़ाव, हमने अवसर बताए थे आपको। आजीविका क्या है, कोई बता दे आजीविका क्या है, से कहा था आजीविका बढ़ाने के लिए। तो आजीविका क्या है हमारी, अभी भी आप लोग आजीविका ध्यान तुम ये है, आप लोग अगर लगातार 7 दिन यहाँ आते तो हम आपको 7 दिन यही बातें समझाते तो आपके दिमाग में अच्छे से आ जाती। पर ये दिक्कत ज्यादा है कि कोई 3 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई 4 किलोमीटर दूर से आ रहा है, और इतनी भीतर गर्मी है, कोई बीमार पड़ गया तो क्या होगा, समग्र संगठन बन जाएगा आज। उनके घर वाले क्या कहेंगे, वहाँ जाती है बीमार पड़ गई, इतने रुपए लगाओ, तो इसलिए आपको गैप दिया गया है कि दीदी 2 दिन बाद आओ, जिससे आप बीमार भी ना पड़ो और यह समझो
अभी हम समझा रहे हैं।